हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक और फ्रेश और कमाल वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे दो बहुत ही बेहतरीन स्मार्ट वॉचेस को। एक तरफ होगी गोकी कंपनी की ओर से आने वाली गोकी स्मार्ट वाइटल, तो दूसरी तरफ होगी टैग कंपनी की ओर से आने वाली टैग वर्व। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दोनों ही स्मार्ट वॉचेज के बीच में डिटेल में कंपेरिजन करेंगे। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सो वीडियो शुरू करने से पहले तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही स्मार्ट वॉचेस की डिस्प्ले के बारे में। गोकी की स्मार्ट वॉच में आप लोगों को 1.3 इंच की लार्ज टच TFT LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर बात की जाए टैग वर्व की, तो इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को 1.4 इंच की TFT LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, यहां पर डिस्प्ले क्वालिटी तो दोनों स्मार्ट वॉचेस की सेम है, लेकिन जो डिफरेंस आता है वो साइज में आता है। गोकी की स्मार्ट वॉच में आप लोगों को 1.3 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, लेकिन जो इसकी डिस्प्ले होगी वो काफ़ी सारे बेजल्स के साथ आने वाली है। वहीं अगर बात की जाए टैग वर्व की, तो इसमें आप लोगों को 1.4 इंच की TFT LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, लेकिन जो इसकी डिस्प्ले होगी वो थिन बेजल्स के साथ आएगी, यानी कि इसमें जो बेजल्स होंगे वो बहुत ही कम हमें देखने को मिलने वाले हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर डिस्प्ले के हिसाब से टैग वर्व आगे निकल जाती है गोकी स्मार्ट वॉच से। तो चलिए दोस्तों, डिस्प्ले के बाद अब बात करते हैं दोनों ही स्मार्ट वॉचेस की बैटरी के बारे में। गोकी की स्मार्ट वॉच में आपको 10 डेज की बैटरी लाइफ मिलेगी अगर आप इस स्मार्ट वॉच के सारे स्मार्ट फीचर्स ऑन कर चलाते हो तो। वहीं अगर आप इस स्मार्ट वॉच के सारे स्मार्ट फीचर्स को बंद कर देते हो और इस स्मार्ट वॉच को सिंपल स्मार्ट वॉच मोड पर चलाते हो, यानी कि आप इस स्मार्ट वॉच से बस टाइम देखते हो, तो इसकी बैटरी चलने वाली है 30 दिनों तक। वहीं टैग वर्व की बैटरी की अगर हम बात करें, तो इस स्मार्ट वॉच में भी हमें 10 डेज की बैटरी लाइफ मिलेगी अगर हम इस स्मार्ट वॉच के सारे फीचर्स ऑन कर देते हैं तो। वहीं अगर हम इस स्मार्ट वॉच को स्टैंड बाई मोड पर चलाते हैं, तो इसकी बैटरी चलती है 30 दिनों तक। दोस्तों, जो बैटरीज है वो दोनों ही स्मार्ट वॉचेज़ की 10 डेज की बताई है कंपनी ने, लेकिन इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेज़ की जो बैटरी है वो 10 डेज तक नहीं चलती। गोकी की स्मार्ट वॉच है जो इसकी बैटरी चलती है 5 डेज तक अगर हम इसके सारे फीचर्स ऑन कर देते हैं तो। वहीं टैग वर्व की जो बैटरी है, अगर हम इस स्मार्ट वॉच के सारे फीचर्स ऑन कर दें, तो इसकी बैटरी सिर्फ 2 दिन तक चलेगी। 2 दिन के बाद हमें स्मार्ट वॉच फिर से चार्ज करनी पड़ेगी। सो दोस्तों, यहाँ पर बैटरी बैकअप जो है वो गोकी की स्मार्ट वॉच का काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू टैग वर्व। लेकिन इतने दिन तक हम अपनी स्मार्ट वॉचेस को बिन चार्जिंग के नहीं रखते, 1 से 2 दिन बाद हम अपनी स्मार्ट वॉचेस को चार्ज कर ही लेते हैं। सो दोस्तों, बैटरी में कोई यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर आपको एक बढ़िया बैकअप वाली स्मार्ट वॉच चाहिए तो आप गोकी की स्मार्ट वॉच के साथ जा सकते हो। सो दोस्तों, ये तो हो गई बैटरी की बात। अब बात करते हैं हेल्थ ट्रैकर्स और फिटनेस ट्रैकर्स की, कि दोनों ही स्मार्ट वॉचेज़ में हमें क्या क्या हेल्थ ट्रैकर्स दिए गए हैं और क्या क्या फिटनेस ट्रैकर्स दिए गए हैं। दोस्तों, गोकी की जो स्मार्ट वॉच है, इसके बारे में कंपनी का कहना है कि ये एक कंप्लीट फिटनेस स्मार्ट वॉच है, यानी कि ये आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन की गई है। जो जो आपके हेल्थ को ट्रैकर रिक्वायर्ड होते हैं, वो सभी आपको इस स्मार्ट वॉच में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या ट्रैकर्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहला ट्रैकर हमें जो इस स्मार्ट वॉच में देखने को मिलता है वो है हार्ट रेट मॉनिटर। ये बाकी की सारी स्मार्ट वॉचेज में भी हमें देखने को मिल जाता है, तो ये कुछ नया नहीं है। इसके बाद हमें इसमें ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सेंसर देखने को मिलता है, जो कि सारी स्मार्ट वॉचेज में ही आजकल लगभग हमें देखने को मिलता है, तो ये भी इसमें नया ही नहीं है। साथ ही दोस्तों, इसमें एक जो नया है वो है बॉडी डिटेक्ट टेम्परेचर, यानी कि ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेगी, जो कि आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना वायरस का समय चल रहा है और हमें बॉडी टेम्परेचर अपना मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो स्मार्ट वॉच आपको बताती रहेगी कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, तो स्मार्ट वॉच में काफ़ी अच्छा फीचर है। इसी के साथ आपको इस स्मार्ट वॉच में ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सेंसर भी देखने को मिलेगा, यानी कि आप इससे अपना ब्लड प्रेशर भी चेक कर सकते हो। सो दोस्तों, फिटनेस ट्रैकर्स तो इस स्मार्ट वॉच में काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, और बाकी के स्मार्ट वॉचेज़ की तरह इस स्मार्ट वॉच में हमें कैलोरी बर्न और स्टेप काउंट जैसे ट्रैकर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गए गोकी स्मार्ट वॉच के फिटनेस ट्रैकर्स। अब बात कर लेते हैं टैग वर्व के फिटनेस ट्रैकर्स के बारे में। दोस्तों, टैग वर्व में आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आपको गोकी के स्मार्ट वॉच में देखने को मिल जाता है। वहीं से स्मार्ट वॉच में आपको ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटर, कैलोरी बर्न, स्टेप काउंट जैसे फिटनेस ट्रैकर देखने को मिलने वाले हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर हेल्थ ट्रैकर्स और फिटनेस ट्रैकर्स के मामले में गोकी स्मार्ट वॉच आगे निकल जाती है टैग वर्व से। सो दोस्तों, ये तो हो गई फिटनेस ट्रैकर्स की बात। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स मोड की।
दोस्तों अगर स्पोर्ट्स मोड की बात की जाए तो गोकी स्मार्ट वॉच में आप लोगों को 18 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे, वहीं टैग वर्ब में आप लोगों को 14 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों यहां पर स्पोर्ट्स मोड के मामले में भी गोकी स्मार्ट वॉच आगे निकल जाती है टैग वर्ब से। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं दोनों ही स्मार्ट वॉचेज़ के स्मार्ट फीचर्स के बारे में। दोस्तों दोनों ही स्मार्ट वॉचेज़ में आपको स्मार्ट नोटिफिकेशन अलर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लेकिन गोकी की स्मार्ट वॉच में आपको जो कॉलिंग वाली नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि आप गोकी स्मार्ट वॉच से अपनी कॉल रिजेक्ट कर सकते हो, उसको पिक नहीं कर सकते। वहीं टैग वर्ब में सिर्फ आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगी कि आपकी कॉल आ रही है, कि आप उसको पिक कर लो या आप उसको एंड कर दो, वो भी अपने फ़ोन से, आप स्मार्ट वॉच से कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं अगर बात की जाए कैमरा कंट्रोल और म्यूजिक कंट्रोल की, तो दोनों ही स्मार्ट वॉचेज में आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोनों ही स्मार्ट वॉचेज से आप अपने फोन का म्यूजिक और अपने फोन का कैमरा दोनों ही कंट्रोल कर सकते हो। वहीं दोस्तों दोनों ही स्मार्ट वॉचेज में आपको फोन फाइंडर का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम अपना फोन कहीं पर रखकर भूल जाते हैं, तो इन स्मार्ट वॉचेज में एक ऐसा फीचर है कि अगर आप उसको ऑन कर दोगे तो आपका फोन अपने आप ही रिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और आप उसको ईजिली से फाइंड कर सकते हो। सो दोस्तों स्मार्ट फीचर्स के मामले में दोनों ही स्मार्ट वॉचेज लगभग सेम है। सो दोस्तों अब बात आती है कि दोनों ही स्मार्ट वॉचेज का जो प्राइस है वो क्या है। दोस्तों गोकी की स्मार्ट वॉच है जो इसका प्राइस है 5,999 रुपीज़, और टैग वर्ब का जो प्राइस है वो है 3,099 रुपीज़। तो दोस्तों प्राइस के मामले में यहाँ पर गोकी स्मार्ट वॉच थोड़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों गोकी की स्मार्ट वॉचेज में जो हेल्थ ट्रैकर्स हैं वो भी हमें काफ़ी अच्छे अच्छे देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू टैग वर्ब। वहीं बैटरी बैकअप भी हमें गोकी की स्मार्ट वॉचेज में और स्मार्ट वॉच में काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। सो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको दोनों स्मार्ट वॉचेज में से कोई सी चुननी हो तो आप चुन सकते हो गोकी को, अगर आपको फिटनेस के हिसाब से कोई स्मार्ट वॉचेस चुननी हो। वहीं अगर आपको एक सिंपल सी स्मार्ट वॉच चाहिए जो आपका काम इजीली से चला सके, तो आप टैग वर्ब के साथ जा सकते हो। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन जो दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।